दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये गाना सुनिए। इस गाने का नाम है बिंदीज एंड बेंगल्स। इस गाने में जो सिंगर दिख रही है उसका नाम है राजा कुमारी, जो कि एक बेहद ही फेमस अमेरिकन रैपर और सॉन्ग राइटर है। इनका जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन इनके माता पिता इंडिया में आंध्र स्टेट में रहते थे, जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजा कुमारी एक साउथ इंडियन हिंदू है, और उन्होंने बिंदीज एंड बेंगल्स सॉन्ग अपने अमेरिकन फैंस के लिए बनाया है, ताकि वो इस सॉन्ग के जरिए दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो सके। इंग्लिश में गाए गए इस सॉन्ग में थोड़ी बहुत हिंदी भी यूज की गई है। इस सॉन्ग में ऋषियों को सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों को मॉडर्न वे में लिखता हुआ दिखाया गया है, और इन प्राचीन ऋषियों के आध्यात्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल अवेकिंग को दर्शाने के लिए बेहद ही क्रिएटिवली इन ऋषियों के माथे और इनके द्वारा लिखे जा रहे ग्रंथों को एक फ्यूचरिस्टिक वे में दिखाया गया है, जो इस समय हमारी सभ्यता और संस्कृति को मॉडर्न वे में दिखाने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सनातन धर्म ऐसा धर्म नहीं है जो मॉडर्न धर्मों से मुकाबला कर सके। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही मोस्ट फेमस हिंदू सॉन्ग्स के बारे में जो इंग्लिश में गाए गए हैं, जिनमें हमारी सभ्यता और धर्म की संस्कृति को गर्व से दर्शाया गया है। और इन इंग्लिश हिंदू सॉन्ग्स में एक गाना तो ऐसा भी है जिसमें 1.8 बिलियन व्यूज है। खास बात यह है कि ये भारत से ज्यादा विदेशों में पॉपुलर है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। दोस्तों आपने ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले का नाम तो सुना ही होगा। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है कोल्डप्ले का हिम फॉर द वीकेंड गाने का। ये गाना आज से करीब 6 साल पहले यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। इस पर करीब 1.8 बिलियन व्यूज है, यानी कि करीब 180 करोड़ व्यूज। इस गाने को गाया है एंथनी जॉन मार्टिन ने, जो यूके के बेहद ही फेमस सिंगर सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन है, जो खुद भी सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता से काफी ज्यादा प्रभावित है। दोस्तों इस गाने में सनातन धर्म की आध्यात्मिक जीवन शैली को एक बहुत ही सुंदर और क्रिएटिव वे में दिखाया गया है। गाने की शुरुआत में कुछ हिंदू साधुओं को मंदिर में पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद भारत की गलियों में होली के त्योहार की खूबसूरती के साथ साथ भारत में मौजूद हिंदुओं के पवित्र स्थलों को भी दिखाया गया है। दोस्तों एक बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि हिंदू धर्म की संस्कृति पर बनाया गया एक खूबसूरत गाना यूके के साथ साथ स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम सहित और भी कई देशों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और यही एक वजह है कि इस गाने पर 13 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स है, मतलब करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लाइक। इस गाने का कमेंट बॉक्स करीब 4 लाख कमेंट से भरा पड़ा है, जहां दुनिया भर के लोगों ने हिंदू धर्म की अद्भुत संस्कृति की दिल से तारीफ की हुई है। इसके बाद जो गाना आता है वो है बरोदा वी का आत्मा रामा। इसको आजकल आपने इंस्टाग्राम रील्स पर कभी ना कभी जरूर सुना ही होगा। इस गाने पर लाखों रील्स बनाई जा चुकी है, जो कि हाल के दिनों में काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है। इस गाने को आज से करीब 10 साल पहले यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, जिस पर 26 मिलियन यानी करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश और संस्कृत में भगवान राम पर गाए गए इस सॉन्ग को किसी विदेशी सिंगर ने नहीं, बल्कि साउथ इंडिया के एक बेहद ही फेमस हिप हॉप आर्टिस्ट और रैपर ने बनाया है, जिनका नाम है विग्नेश शिवानंद, और इनका स्टेज नेम है बरोदा वी। आपको बता दें कि बरोदा वी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और ये इंग्लिश में भी कई पॉपुलर सॉन्ग्स गा चुके हैं, जिनको आप इनके यूट्यूब चैनल पर भी जाकर सुन सकते हैं। दोस्तों इन्होंने आत्मा रामा ही नहीं बल्कि इंग्लिश हिप हॉप वर्जन में अयगिरी नंदिनी स्त्रोतम को भी गाया है, और ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिस पर करोड़ों व्यूज है। दोस्तों बरोदा वी अपने सनातन धर्म के गर्वित इतिहास से काफी ज्यादा प्रेरित है, इसीलिए वह अपनी कला के माध्यम से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों एमटीवी हसल रियलिटी शो पर भी इन्होंने अयगिरी नंदिनी को प्राउडली रिप्रेजेंट किया था और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। दोस्तों अगला नंबर आता है पीस ऑफरिंग ओम नमः शिवाय बाय अपाची इंडियन। दोस्तों भगवान शिव पर ये इंग्लिश सॉन्ग गाया था स्टीवन कपूर ने, जिनका स्टेज नेम है अपाची इंडियन। वैसे तो दोस्तों ये एक भारतीय हिंदू है, लेकिन इनका जन्म 1967 में इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों ये गाना उन्होंने 2011 में रिलीज किया था, और यूट्यूब पर ये अनऑफिशियली कई चैनल्स पर अपलोडेड है, जहां इस पर अलग अलग चैनल्स पर 1 से लेकर 12 मिलियन तक व्यूज हैं। दोस्तों हम आप सभी को रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो इन सभी सॉन्ग्स को जरूर सुनिए, जो आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है।
आपको कौन सा सिंगर सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।